हेलो माय चैम्पियंस ऑफ क्लास 10 बेटा कैसे आप लोग uh, मैं आशा करता हूँ एकदम तंदुरुस्त हो गए बेटा और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी ठीक है तो बेटा दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए आपके सामने में जो कि आपका फिफ्थ चैप्टर है बेटा फर्स्ट फ्लाइट का मैडम राइट्स द बस मैडम राइट्स द बस जिस चैप्टर का ये बेटा नाम है ठीक है वल्ली कनन इनके एक कैरेक्टर है और ऑथर भी है दोनों ही ठीक है इस चैप्टर में मैडम कौन है जानते हैं वो कोई टीचर नहीं है और मैडम उनको क्यों बोला गया इसके पीछे भी एक कारण है और शॉकिंग न्यूज बेटा ये कि मैडम की जो एज है वो एट ईयर्स की है तो ऐसा कुछ ए, एक आठ साल की बच्ची ने ऐसा क्या कारनामा किया कि उसको नाम मैडम दे दिया गया पढ़े स्टार्ट चलिए जी आइए देखते हैं कि क्या हुआ मैडम के साथ इनको मैडम क्यों बोला गया आइए बेटा समरी में बात करते हैं बेटा एक आठ साल की बच्ची है जो ये लेसन है ये आठ साल की बच्ची के ऊपर ही लिखा गया जिनका नाम क्या वल्ली क्या नाम है बेटा वल्ली और एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी गुड़िया के पास को अपने ना कोई फ्रेंड्स नहीं थे खेलने के लिए दोस्त यार नहीं थे ठीक है अब दोस्त नहीं है तो टाइम तो स्पेंड करना ही है ना टाइम स्पेंड कैसे करती थी ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर बाय लुकिंग एट दी आउटसाइड अफेयर्स घर के बाहर क्या चल रहा है जो बाहर सड़क है क्या चल रहा है गोइंग ऑन द स्ट्रीट उसका फेवरेट पार्ट क्या था या फिर आ, कह सकते हो आपकी फेवरेट टाइम क्या था टू लुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक एट बस जो उसके घर के बाहर जो गली थी जो वहां से एक तो बस गुजरती थी दैट पास बाय हर विलेज एवरी आवर एक बस जो हर घंटे में उसके गांव से गुजरती थी अब देखिए हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज होती है आपकी कुछ और होगी शायद आ, मेरी कुछ और होगी एम ए राइट और रॉन्ग हाँ आई थिंक पढ़ना किसी की हॉबी नहीं होती बट पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी होता ठीक है क्या पता आपको डांस की हॉबी हो क्या पता मुझको सॉन्ग्स की हॉबी हो समझ पा रहे मेरी बात को आप क्या पता आप मेरी किसी को पेंटिंग की हॉबी हो ठीक है तो उसका फेवरेट जो टाइम था वो जब था जब उसकी गली के बाहर उसके गांव से हर एक घंटे में बस गुजरती थी तो बस को देखती थी कौन कौन यात्री बैठे हुए हैं ये बस कब जाती है और से लौट के कब आती है कितने ड्यूरेशन में आती है किस टाइम जाती है सारी बातें वो नोट करती थी लड़की वल्ली और यही चीज उसको एक एंडलेस हैप्पीनेस या फिर जॉय देती थी क्या कि देखना द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर ऑब्वियसली बात है ना भाई बस आई पैसेंजर मतलब यात्री उसमें यात्री आए एक जगह पहुंचे उतर गए फिर बस वापस आई दूसरे यात्री को लिया बिठाया चल दिए तो हर समय बस के राउंड में न्यू सेट ऑफ यात्री पैसेंजर्स का होता था इस टाइम द बस क्रोस्ड बाय धीरे धीरे ग्रेजुअली ही वो देखते रहे बस को तो उसके अंदर ने एक विश जागी कि मुझको भी ट्रेवल करना चाहिए बस में देख रहे हो आप छोटी सी बच्ची आठ साल कि मुझको भी बस में ट्रेवल करना चाहिए बड़ी बात क्या थी अकेले देख रहे हो आप आठ साल की बच्ची का सून उसकी विश एक इच्छा में बदल गई मतलब कि उसकी जो एक तमन्ना थी वो ज्यादा स्ट्रोंग हो गई डिजायर में बदल गई इसीलिए उस छोटी सी प्यारी सी आठ साल की बच्ची ने एक मिशन बनाया देख रहे हो आप कितनी रेजोल्यूट uh, कितनी तेज बच्ची है ये छोटी सी प्यारी थी वल्ली मिशन बना लिया कि भाई इसको तो मैं पूरा करके रहूंगी और यह बात फैक्ट है एक बार जो इंसान सोच ले किसी काम करने के लिए वो उसे पूरा कर ही लेता है रिक्वायरमेंट किसकी होती है आपके पैशन की डिजायर की डेडिकेशन की परसिविरेंस की ठीक है आपने आपने एक बार यह सोच लिया कि मुझको बोर्ड्स में 95 फाइव अब लेके आने हैं और आपने ठान लिया दैट इज पॉसिबल ठीक है जब छोटी सी आठ साल की बच्ची इतना बड़ा कारनामा कर सकती है बेटा आप आप तो टेंथ में हो समझो मेरी बात को आप। उसके लिए क्या चाहिए आपको सिर्फ ई विद्या प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो आपसे शेयर करी जा रही है बेटा आप उन्हें देखिए रिलुक दोबारा देखिए नोट्स आपको बनवाए जाते हैं आप नोटबुक में लिखिए उसको लर्न करिए रीलर्न करिए रिवाइज करिए तो एग्जाम में कुछ भी अगर किसी भी चैप्टर के बीच में से कुछ भी पूछा जा रहा है आप एकदम सक्षम हो गए आंसर देने के चलिए आप उसने शुरू किया सुनना क्या सुना उसने कॉन्वर्सेशन बातें किसके बीच में उसके पड़ोसी जो कि बार बार ट्रेवल करते रहे बस से और इन द प्रोसेस इसी बीच वोडास्क का फ्यू केयरफुल क्वेश्चन हेयर एंड डेयर टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन छोटी सी बच्ची अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती थी फॉर एग्जाम्पल कि बस का फेयर कितना है फेयर का मतलब क्या किराया भाड़ा ठीक है कितने कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में बस जाती है कितने कितने बजे जाती है वहाँ पहुँच के वहाँ से कब निकलती है और यहाँ कब पहुँचती है. है ना तो आइए तो किसी भी नए काम को करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर है बेटा गुड इसी तरह उसको पता था क्या जो गांव से थोड़ा दूर एक जो शहर है जो टाउन है वो छ मील की दूरी पे है उसके गांव से और उस गांव से बल्ली के गांव से इस टाउन में पहुंचने के लिए फोर्टी फाइव मिनट का सफर तय करना होता है एक तरफ का मतलब क्या हुआ फोर्टी फाइव मिनट जाना और फोर्टी फाइव ही आ जाना और बेटा समझो मेरी बात को डेटा है डेटा जानना जरूरी होता है एक तरफ का जो भाड़ा था जो फेयर था जो मैंने भी वर्ड लिया था 30 पैसा था क्योंकि बात बेटा पुरानी है ना आजकल तो तीस पैसा देखने को नहीं मिलता सुनने को भी नहीं मिलता ये बात पुरानी है तो टोटल कितना हो गया आने जाने का सिक्सटी तीस जाने का तीस आने का साठ पैसे में आप दोनों तरफ की राइड लेके बस में बस से आ सकते इसीलिए उस बच्ची ने देख रहे हो बेटा आप आठ साल की बच्ची ने एट ईयर आठ साल की बच्ची इतनी इसमें मेच्योरस थी कि उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया जिस तरह की आप एग्जाम में प्लानिंग करते हो ना क्या प्लानिंग करते हो आप कि कब कब पढ़ना है सोना है कब उठना है तो ये प्लानिंग होती ही नहीं होती ठीक है अब प्लानिंग से मुझे बेटा एक चीज याद आ गई मैं भूलना जाऊं तो मैं आपको बता दू मैंने आज ही ये एक निर्णय लिया है एक चीज मैं आपसे एक लेक्चर एकेडमिक्स से अलग मैं आपके लिए बनाऊंगा स्पेशली बनाऊंगा आपके लिए जिसमें बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा ये मुझे बिल्कुल एकदम ध्यान है बेटा इसमें बात करूंगा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की मेरे काफी सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से क्वेरी करते रहते हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं Uh, कभी ऑनलाइन ऑफलाइन कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे बना है? सर बोर्ड सारे है? सर कब पढ़ाई करनी है कब नहीं करनी है सर हमें बताइए तो मेरा मानना यह है कि आई थिंक हजार बारह सौ से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन की तो खैर गिनती ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है कैसे बनाया जाता है और कैसे फॉलो किया जाता है आप बात समझ ले हो और मैंने वाकई में ही आउटपुट बहुत अच्छा देखा है रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है जिन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट जो बताया गया जो समझाया गया फॉलो किया ड्रास्टिक चेंज थी उनकी परफॉर्मेंस में और उनके नंबर में भी पॉजिटिवली ठीक है तो सून बहुत ही जल्दी मैं आ, आ, बेटा आप बेटा आपके लिए ही एक वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट जिसको नाम भी मैं टाइम मैनेजमेंट ही दूंगा वेन एंड आई एल बी टेलिंग यू हाउ टू मैनेज योर टाइम वेन टू स्टडी वेन नॉट टू स्टडी है ना उसको आप फॉलो करिएगा और उसको फॉलो करने के तीन या चार दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या फायदा दिखा ठीक है बेटा बढ़े आगे चलिए बेटा थैंक यू अभी मत बोलो थैंक यू जब बोलना जब मैं वीडियो बनाऊंगा बढ़ते आगे तो उस बच्ची ने प्लानिंग करना शुरू किया रीप्लान किया सो दैट शी स्नीक आउट का मतलब क्या चुपके से निकल जाना कब निकल जाना जब उसकी मदर दोपहर को नैप ले रही होगी कहते झपकी लग जाना झपकी बोलते झपकी लग गई थी नैप बोलते हैं उसको ठीक है दोपहर को जब वो नैप सो रही होगी और ये भी प्लानिंग किया कि जब तक मेरी मदर सो रही होगी मैं उनको बिना बताए मैं वापस भी घर अपने लौट जाऊंगी हालांकि देखिए प्रैक्टिकल बेस पे अगर मैं बताऊं अपने आप में तो ये एक रिस्क था ऐसा नहीं करना चाहिए था बट अगेन जब इंसान ने निर्णय ले ही लिया तो उसको कोई रोक नहीं पाता ठीक है अब उसको जरूरत थी पैसा बचाने की क्यों फेयर के लिए बस के भाड़े के लिए जो कि इजी नहीं था उसको अपनी अंदर की जो टेम्पटेशन होती है ना कहते हैं ना कभी कभी कि यार आज तो चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा है वो बड़ा मन को इंग्लिश में टेम्पटेशन ही बोलते हैं एक चॉकलेट भी आती है आपने सुना हो शायद डेरी मिल्क टेम्पटेशन वो टेम्प्ट करती है आपको उकसाती है कि मुझे खाओ तो उसके उकसाने की जो चीजें थी वो उसको कैंडी त्यागनी पड़ती बिचारी को पेपरमेंट खाती थी जैसे बच्चे खाते हैं वो त्यागनी पड़ती और एक झूले का नाम होता है स्विंग उतना बेटा है जिसे बोलते हैं मेरी गो राउंड ठीक है ये सब चीजें उसको त्यागनी पड़ती ताकि वो पैसा बचा के बस फेयर के लिए बचा लेती फाइनली उसने इतना पैसा तो बचा लिया और भाई साहब एक दिन ऐसा आया वन फाइन डे वो बहादुर लड़की आठ साल की उस वो बस पे चढ़ गई नॉट वेरी बिजी आवर्स क्योंकि कंडक्टर हुआ क्या था बेटा जब बस रुकी ना उसको पिक करने के लिए मैं आपको कहानी बताता हूं तो कंडक्टर को लगा छोटी सी बच्ची है मैं इसको हाथ दे के ऊपर चढ़ा लेता हूं वल्ली ने क्या बोला आई डोंट नीड एनी हेल्प मैं इतनी बड़ी हूं इतनी सक्षम हूं कि मैं बस मैं खुद चढ़ के आराम से बैठ सकती हूँ समझ नहीं आप इसी हरकत की वजह से इसका नाम पड़ा था मैडम ठीक है बेटा तो कंडक्टर और फेलो पैसेंजर्स का सहयोग नहीं। मुझे नहीं चाहिए मैं अपने आप में सक्षम हूं भाई बड़ी ताज्जुब की बात थी अम्यूजिंग बात थी ठीक है इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरी वन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल एंड ऑल अलोन एक्टिंग लाइक एन अडल्ट भाई आप बस में जा रहे हो एक छोटी सी आठ साल की बच्ची आई और वो एक्ट कैसे कर रही है कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ मैं काफी मेच्योर हूँ तो आपको भी देख के काफी अचंबा होगा कि बताओ छोटा सा मुंह बड़ी सी बात हाँ या ना बेटा तो एवरी वन वॉज टेकन आई मीन एवरी वन वॉज शुक कि हो क्या रहा है? अब जो कंडक्टर माशे थे उस बस के वो काफी जोकिंग तरीके के थे उनको जोक मारना बड़ा अच्छा लगता था अब कंडक्टर साहब ने ही इस वल्ली को नाम दिया क्या बेटा मैडम तो अगर आपको पूछा जाए कि वल्ली को मैडम नाम किसने दिया कंडक्टर ने दिया क्यों दिया बिकॉज शी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर और दैट्स इट क्लियर है बेटा वो छोटी सी हाइट की वल्ली सीट पे खड़ी होती सो एकदम दिख पाता विंडो से लेकिन हर कोई क्या एडवाइस कर रहा था कि मैडम आप बैठ जाइए आपके लिए अच्छा नहीं है आपको चोट लग सकती जब भी कोई भी व्यक्ति उसके बिजनेस में नाक अड़ाता बॉलीवुड गेट एनॉइड वो परेशान हो जाती चिड़चिड़ी हो जाती क्या एड शी डिड नॉट कंसिडर हरसे एज अ चाइल्ड देखो एक्चुअली मैं अगर मैं बात करूं तो आठ साल की बच्ची या बच्चा वो वाकई में बच्चा ही होता है लेकिन उसका मानना क्या था कि मैं बच्ची नहीं हूं मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूं शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एनी विद एन एल्डरली लेडी हु वॉज वरीड अबाउट हर बस में बेटा एक अच्छी खासी उम्र की लेडी भी सफर कर रही थी लेकिन वो लेडी उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी बल्ली को इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी बट वो लेडी काफी परेशान थी वरीड़ थी बच्ची को लेके क्या उस लेडी को लगता था कि सोशली कैपेबल नहीं है सफर करने के लिए और ऑब्वियस ही बात है आई मीन मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं है कि छोटा सा आठ साल का बच्चा बस में अकेला सफर कर रहा हो वो अपने पेरेंट्स के साथ होगा या किसी बड़े के साथ हो वल्ली एंजॉय कर रही थी क्या कि बाहर क्या चल रहा है एंड द साइट ऑफ रनिंग काउ इन द मिडल ऑफ रोड वॉज एबली अ फनी फॉर हर बस के आगे काव थी बस हॉर्न दे रही थी काव भाग रही थी तो उसे काफी फनी लगा वो जब वो टाउन पहुंच गई वो हाँ वो वाकई में समझदार थी उसने मना कर दिया कि मैं बस से नीचे नहीं उतरूंगी वाई क्योंकि शिवोस टू अफ्रेड टू बी अलोन वो अकेला अनजाने शहर में बस से नीचे उतरना नहीं चाहती थी उसका टारगेट क्या था बस में बैठ के सफर करना और बस में ही बैठे रहने के बावजूद वापस आ जाना नीचे नहीं उतरना लैंडिंग नहीं करनी है बस से बस में ही बैठे रहना इतना दिमाग उसमें था तो जब वो वापस आ रही थी शी शिकेरिट एक्सट्रीम एंथुजियाज्म उसके अंदर काफी जोश भरा हुआ था कि देखिए जो मैंने सोचा वो मैंने कर दिखाया मैं बस में गई अभी भी मैं सेफ हूँ और सेफली मैं वापस आ रही हूँ लेकिन बेटा क्या हुआ उसने आती बार क्या देखा लाइंग लाइफलेस ऑन द रोड ये वही गाय थी जो जाति बार बस के आगे आ गई थी बस ने हॉर्न दिया ये गाय भाग गई जो फनी था बट आती बार क्या देखा उसने कि वही गाय लाइफलेस मरी हुई रोड पर पड़ी हुई थी और ये देख के काफ़ी बेचारी वो दुखी और परेशान हो सेम so काफी डर गई किस फैक्ट पे दैट हाउ अचर सो फुल टू समबल की बताओ अभी कुछ समय पहले की बात है इस काउ की वजह से मैं हंसी और अभी की बात क्या है इतना समय भी नहीं हुआ वो ही सेम गाओ बेचारी रोड पे मरी हुई पाई गई वो बेचारी चुप बस में बैठी रही बाकी की जर्नी जब वो घर पहुंची उसने क्या देखा हर शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वर्ल्ड में बाहर वल्ली अफर्म टू वॉट हर मदर वॉज देम एस्टोनिश्ड देखिए एंडलेस पॉसिबिलिटी एक तो वल्ली ने कर दिखाई कि मम्मी जी आप तो सो रही थी मैं तो टाउन में बस में जाके वापस भी आ गई ये भी तो पॉसिबल हुआ शी रिएक्शन बाय शी कैजुअली कैज टू वॉट हर मदर लाइन से मतलब क्या हुआ ताकि वो पकड़ी ना जाए कि वो बस में गई थी और बस में आई थी तो कैजुअली उसने बोल दिया हा, हाँ हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो मैं तो आप बड़े हो और मैं आपकी बात से सहमत हूं ठीक है हर आंट देन रेफर टू वल्ली एज अ नो स्पोकिंग चाइल्ड हु एक्ट लाइक अ ग्रोन अप लेडी उसकी आंट का कहना क्या था कि वल्ली एक नो no स्पोकिंग हर बात पे अपनी नाक घुसाने वाली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना पोकर बोलते हैं उनको जोकर नहीं पोकर बोलते हैं ठीक है थीके? कि हर बात पे अपनी नाक घुसाने भाई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तीसरा अपनी नाक घुसाने क्यों आ रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा है ना और अब इंडियन की तो काफी हैबिट होती है ठीक है बेटा चलो आओ तो उसके आंट का क्या मानना था कि ये हर बात पे नाक घुसाती है एक ऐसी बच्ची है जो अपने आप को समझती है कि मैं तो बहुत बड़ी हो गई बट ओनली वल्ली को ही पता था वॉट शी वॉज रेफरिंग टू बिकॉज सब चीजों के बाद किसी को ये नहीं पता था कि अबाउट हर बस जर्नी वो एकदम इनोसेंट बन गई थी क्या बन गई थी इनोसेंट बन गई थी कि भाई मेरे को बस के बारे में कुछ नहीं पता और उसका पूरा का पूरा प्रयास यही था कि मैं पकड़ी ना जाऊं और ऐसा ही हुआ वो पकड़ी भी नहीं गई ठीक है बेटा चलिए बेटा अब आपकी ये समरी जो छोटी सी आठ साल की बच्ची है जिसका नाम बल्ली था आपको जाना कि उसका बस का फेयर कितना था बेटा थर्टी पैसा जाने का थर्टी आने का सिक्सटी हो गया बस गांव से टाउन की दूरी कितनी थी बेटा छः मील की दूरी थी समय कितना लगता रहा बेटा फोर्टी फाइव मिनट जाने के फोर्टी फाइव आने के क्या डिसाइड किया था दोपहर को उस वक्त जाऊँगी जब मेरी मदरस हो रही होगी ताकि उनको पता ना चले तो अंत में आके छोटी सी बच्ची ने रिस्क लिया कहते डर के आगे जीत है रिस्क लिया और रिस्क लिया और उसको कामयाबी मिली उसकी तमन्ना पूरी हुई वो टाउन हो भी आई किसी को पता भी नहीं चला इसी प्रकार आपकी डिजायर क्या होनी चाहिए कि हमको बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स लाने हैं अच्छे मार्क्स के लिए बेटा ई विद्या प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा था है और रहेगा भी बट हमें आपकी क्या जरूरत है कॉपरेशन की कि आप एक्टिव रहिए ट्यून्ड रहिए और पढ़ाई करते रहिए अगले ही चैप्टर में मैं आपको सेम चैप्टर के मैडम राइट द बर्स के क्वेश्चन आंसर बेटा आपको करवाने वाला हूं फिलहाल आप समरी पे फोकस करिए तो सी मेंटोर दुष्यंत भोला सर साइनिंग ऑफ टेक कर बेटा बाय